फ्रेंड्स, मैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष हर एक्सलेंसी दिलमा रुसेफ का अभिनंदन करता हूं। पिछले 10 वर्षों में यह बैंक ग्लोबल साउथ के देशों के विकास के लिए महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में उभर रहा है। भारत के गिफ्ट सिटी के साथ साथ अफ्रीका तथा रूस में रीजनल सेंटर्स के खुलने से इस बैंक की गतिविधियों को बल मिला है और लगभग 35 बिलियन डॉलर के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स सैंक्शन किए गए हैं। एनडीबी को डिमांड ड्रिवन सिद्धांत पर काम करते रहना चाहिए और बैंक का विस्तार करते हुए लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी, हेल्दी क्रेडिट रेटिंग और मार्केट एक्सेस सुनिश्चित करने पर प्राथमिकता रहनी चाहिए। फ्रेंड्स, नए स्वरूप में ब्रिक्स 30 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा बड़ी इकोनॉमी है। हमारे आर्थिक सहयोग को बढ़ाने में ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल और ब्रिक्स वीमेन बिजनेस अलायंस की विशेष भूमिका रही है। इस वर्ष ब्रिक्स के अंदर WTO रिफॉर्म्स, ट्रेड फैसिलिटेशन इन एग्रीकल्चर, रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स, ई कॉमर्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन को लेकर जो सहमति बनी है उससे हमारे आर्थिक सहयोग को बल मिलेगा। इन सब पहलों के बीच हमें स्मॉल और मीडियम स्केल इंडस्ट्री के हितों पर भी फोकस करना चाहिए। मुझे खुशी है कि 2021 में भारत की अध्यक्षता के दौरान प्रस्तावित ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम इस वर्ष लॉन्च किया जाएगा। भारत द्वारा दिया गया रेलवे रिसर्च नेटवर्क का इनिशिएटिव भी ब्रिक्स देशों के बीच लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन कनेक्टिविटी बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहा है। इस साल ब्रिक्स देशों में यूनिडो के साथ मिलकर इंडस्ट्री 4.0 के लिए स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार करने पर बनी सहमति बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2022 में लॉन्च किया गया ब्रिक्स वैक्सीन R&D सेंटर सभी देशों की स्वास्थ्य सुरक्षा बढ़ाने में मदद कर रहा है। हमें डिजिटल हेल्थ में भारत का सफल अनुभव ब्रिक्स पार्टनर्स के साथ साझा करने में खुशी होगी। फ्रेंड्स, क्लाइमेट चेंज हमारी साझी प्राथमिकता का विषय रहा है। रूस की अध्यक्षता में ब्रिक्स ओपन कार्बन मार्केट पार्टनरशिप के लिए बनी सहमति का स्वागत करता है। भारत में भी ग्रीन ग्रोथ, क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन ट्रांजिशन पर विशेष रूप से बल दिया जा रहा है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, मिशन लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट, एक पेड़ मां के नाम जैसे इनिशिएटिव लिए गए हैं। पिछले वर्ष COP28 के दौरान हमने ग्रीन क्रेडिट जैसे महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत की। मैं ब्रिक्स पार्टनर्स को इन इनिशिएटिव से जुड़ने के लिए आमंत्रित करता हूं। ब्रिक्स के सभी देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर विशेष रूप से बल दिया जा रहा है। भारत में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को तेजी से बढ़ाने के लिए हमने गतिशक्ति पोर्टल बनाया है। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए इंटीग्रेटेड प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन में मदद मिली है और लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हुई है। हमारे अनुभव आप सभी के साथ साझा करने में हमें खुशी होगी। फ्रेंड्स, ब्रिक्स देशों के बीच फाइनेंशियल इंटीग्रेशन बढ़ाने के लिए प्रयासों का हम स्वागत करते हैं।
लोकल करेंसीज में व्यापार और सुगम रूप से क्रॉस बॉर्डर पेमेंट से हमारा आर्थिक सहयोग सुदृढ़ होगा। भारत द्वारा बनाया गया यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई भारत की एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है। इसे कई देशों में अपनाया गया है। पिछले वर्ष हिज हाइनेस शेख मोहम्मद के साथ मिलकर हमने इसे यूएई में भी लॉन्च किया। अन्य ब्रिक्स देशों के साथ भी इसमें सहयोग किया जा सकता है। फ्रेंड्स, भारत ब्रिक्स के अंतर्गत सहयोग बढ़ाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमारी विविधता और मल्टीपोलरिटी में हमारा दृढ़ विश्वास हमारी ताकत है। हमारी यही ताकत और मानवता में साझा विश्वास हमारी भावी पीढ़ी के समृद्ध और सशक्त भविष्य को सार्थक रूप देने में सहयोग होगा। आज की बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी चर्चाओं के लिए मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं। ब्रिक्स के अगले अध्यक्ष के रूप में मैं राष्ट्रपति लूला को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। भारत आपकी ब्रिक्स अध्यक्षता की सफलता के लिए अपना पूरा सहयोग देगा।